नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की चर्चा सब्जी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है लौकी में थ्रिप्स की पहचान व निवारण। आइए देखते हैं लौकी में थ्रिप्स के बारे में जानकारी। गर्म मौसम थ्रिप्स के फैलाव के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसती है जिससे पत्तियां छोटी ही रहती है और उत्पादन में कमी आती है। अब देखते हैं लौकी में थ्रिप्स के लक्षण। पत्तियों, फलों और फूलों पर धब्बेदार या चमकीले भूरे गांव देखने को मिलते हैं। क्षतिग्रस्त पत्तियों और फूलों का आकार विकृत हो जाता है। थ्रिप्स के गंभीर संक्रमण के दौरान पूरे फल पर सफेद और लंबे धब्बे दिखने को मिलते हैं, जो फल को बर्बाद कर देता है। अतिरिक्त प्रत्यक्ष नुकसान में छोटे फल, फल गिरना और पत्ती गिरने जैसे लक्षण दिखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं लौकी में थ्रिप्स का नियंत्रण। खेतों में से और खेत की मेढों पर से खरपतवार को नियंत्रित करें। थ्रिप्स को आकर्षित करके मारने के लिए 1 हेक्टेयर में 1 लाइट ट्रैप लगाएं और लाइट ट्रैप फसल से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखें और शाम को 6 से 10 बजे के बीच प्रयोग करें। थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए खेत में 25 ब्लू स्ट्रिक की ट्रैप यानी नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं। खेत में नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में विभाजन करके दे। 10 मिलीलीटर एजाडिरेक्टिन, 1500 ppm या 50 मिलीलीटर नीम बीज अर्क को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर शुरुआती लक्षण के सूर्य से महीने में 2 बार छिड़काव करें। कीट को फैलने से रोकने के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 1.50 ग्राम डायफेंटिरन 50% WP, 1.5 मिलीलीटर बुप्रोफेजिन 25% SC, 0.5 ग्राम थियोमेथोक्साम 25% WG, 0.4 ग्राम डायनेटोफुरान 20% SC, 1 मिलीलीटर फिप्रोनिल 18.87% SC, 0.2 ग्राम फिप्रोनिल 80% WG, 0.80 मिलीलीटर लैम्डा साइहैलोथिन 5% EC, 1.5 ग्राम डायफेंथ्यूरन 50% WP, 0.5 मिलीलीटर थियोमेथोक्साम 12.6% और लैम्डा साइहैलोथिन 9.5% ZC, 2.5 मिलीलीटर पायरीप्रोक्सिफेन 5% और डायफेंथ्यूरन 25% SC। दोस्तों, सयाजी सीड्स का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।